हेलो दोस्तों, आज का कोई ब्लॉग नहीं है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे जंगल से जो पत्थर गिर रहे हैं वहाँ पे जाएंगे हम। और मेरे साथ ये है ये लड़की और आज का कैमरामैन ये बनेगी। हेलो दोस्तों, देखो आज मैं और उर्मिला जो हमारे यहाँ पीछे वाला पहाड़ टूट रहा था उसको देखने आए हैं और बहुत इधर ऊपर देख के तो चक्कर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, 3-4 दिनों से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। देखो हमारा बगीचा नीचे, भगवान कितने दिनों से हमारे को पानी भी नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल बैठे, आप सबको पता होगा जिंदा और ब्यासर रोड बंद हो चुका है। न्यूज़ में भी आया था, आपने देखा होगा लाइव टाइम्स में। यहाँ देखो इतने इतने बड़े स्टोन, कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसा होगा, लेकिन देखो हो गया। देखो कितना डर रही है, डर के भाग गई है। इतना डरना नहीं चाहिए वैसे। देखो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है, मैं आगे जाती हूँ, थोड़ा जैसा रिस्क लेती हूँ। और वैसे जाना तो नहीं चाहिए पर मैं जा रही हूँ। अगर गिर गए तो ये वीडियो प्रूफ होगा, मैं यहीं हूँ, इसके नीचे हॉर्न मिलना चाहिए बस। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और देखो यहाँ से नीचे को जंगल। इन पेड़ों के पीछे नंगचा गांव है जो हमारे को दिख नहीं रहा है पेड़ों की वजह से, नीचे जाके तो शायद दिख भी जाता। और अगर किसी को लग रहा हो ये छोटा सा स्लाइड है तो प्लीज़ वो यहाँ आकर देखे, उनको खुद ही पता चल जाएगा कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, हमारे जंगल का, हमारे नांगचा वालों का। नींद उड़ गई है लोगों की। अभी यहाँ से और पत्थर गिरने का डर है जिससे लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। ये पहले दिन का है, 9-10 बजे के करीब सुबह जब पत्थर आए थे और ये शाम के 3-4 बजे का है। और ये नांगचा गांव है, इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा हो रखा है और जिस वजह से यहाँ पे एक लेंटर और दो घर, एक गौशाला और एक मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच गया है। और इनको अभी पीछे से पत्थर और गिरने का डर है तो जिस वजह से इन्होंने गांव को खाली कर दिया है कुछ दिनों के लिए, जब तक ये सारा नहीं गिर जाता। और यहाँ पर प्रधान जी ने पटवारी को बुलाया था और ये जो गौशाला है वो। दूसरे दिन जो है SDM साहब आए थे नांगचा गांव का जायज़ा लेने। ये वीडियो जो है 5 बजे के करीब बनाई हुई है और ये बहुत दूर से बनाई है, पर इसमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा गिरा है पर बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। और ये वीडियो इशलीधार से बनाई हुई है और इसमें भी लग रहा है कि ये, इसमें जूम करके दिखाया हो तो लग रहा है कि नज़दीक से बनाई है, ये भी बहुत दूर है। इशलीधार बहुत नीचे है और बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे उस टाइम। जो हमारे शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने राशन और रहने के लिए टेंट दिए हुए हैं। आजकल जुलाई और अगस्त के महीने में कहीं ना जाएं, घर पे रहे और सेफ रहे, जान है तो जहान है।